देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल जो बन गए अनमोल। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम्। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, जो अपने को और भारत को पर्यायवाची समझते थे, आज उनकी याद करके बड़ी दया आती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जनता पार्टी में, जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा अहंकार कभी पैदा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो, मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे, चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी, बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्णन करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। टुडे एट 15:45 आवर्स India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. Pokhran 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है। कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा यह भी हमको विश्वास था, और ऐसा ही हुआ।
आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे। लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता। अटल जी राजनेताओं की तरह अपने भाषणों के लिए जितना जाने गए उतना ही वो अपनी कविताओं के लिए भी जाने गए। उनकी कविताओं ने उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिए। संवेदनशील कविताओं में कभी जीवन का सच तो कभी राष्ट्रभक्ति का कवच वो खूबसूरती के साथ पिरो दिया करते थे और उस पर भावनाओं का छिड़काव कर देना उनकी कविताओं को अमर बना देता था। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा। अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाजना। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीत झुका लोगे यह मत समझो।
मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, नापनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दू मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, जय हिंद। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए। वंदे मातरम, स्वागत है आपका, मैं हूं रजनी सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, बोल जो बन गए अनमोल। आज की कड़ी में हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे प्रचलित भाषणों और कविताओं में से कुछ सबसे ज्यादा मशहूर हुई पंक्तियों को सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। वो सदैव अपने राष्ट्रवाद, अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनके विपक्ष भी उन्हें उतना ही सम्मान देते थे जितना कि उनकी सरकार के लोग। अपने साफ सुथरे भाषणों में भी अपनी बात को इस प्रकार कूटनीति से कह देना कि हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता, ये हुनर केवल भारत रत्न श्री वाजपेयी के पास ही था। भारतीय लोकतंत्र के प्राण, 65 करोड़ लोगों की असमानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं, लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा।
आवश्यकता इस बात की गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। टिकट की राजनीति के दिल लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। अब पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो तो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हमको एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भला हो बागवानों, नवबहार शान पैदा कर। भला हो बागवानों, नवबहार शान पैदा कर। फलनपुर गठकरन बुलबुल कितुई सामान पैदा कर। ए माली, आओ फिर से बगिया को बहार दें, इस बात को फिर से हरा भरा करें, पेड़ों पर फिर से फूल आने दो, बुलबुलें चहचहाने दो। अभी तक जो खेल होता रहा मौत का, खून का, वो बंद होना चाहिए। लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी,
पाकिस्तान के जनरल साहब को हमने आगरा आने की दावत दी। हमने कहा ताजमहल के किनारे बैठकर शायद ये ख्याल आ जाए कि हमको प्रेम के साथ रहना है, मिलकर रहना है, मगर वो भी पूरा नहीं हुआ। हम फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए, दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे। मुफ्ती साहब के नेतृत्व में जो यहां सरकार चल रही है उसे कामयाब बनाना हम सबका फर्ज है, ये हम सबका काम है। आपको जो भी शिकायत हो उसको मिलकर दूर करिए। दिल्ली का दरवाजा करके जाइए, दिल्ली अपना दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं करेगी, दिल का दरवाजा भी खुला रहेगा। दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। बड़ी चीज है कश्मीरियत। यहां जो सूफी संतों की परंपरा हुई है, यहां जो दीन के बारे में एक जागृति पैदा हुई है, वो सबको बुरा हमारा रास्ता उजाला करे, रास्ते में रोशनी दिखाए, हम मिलकर चलें। करीब चार दशकों तक विपक्ष में रहने के बाद अटल जी ने देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। वो केवल नाम से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी अटल थे। वो देश और विदेश के मुद्दों समेत धार्मिक मुद्दों पर भी कई बार मंच से बोले। अटल जी के बोलने की कला बेहद ही निराली थी। रुक रुक कर बोलना, फिर थोड़ा सोचकर फिर से वापसी करना, उनकी इस कला का न केवल आम इंसान बल्कि सभी राजनेता भी कायल थे। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते, एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जनता के हम आभारी हैं जिसने सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से छीनकर जनता पार्टी को सौंप दी है। देश के और भागों में भी जनता ने असंदिग्ध निर्णय दिया है। याद है आपको, चुनाव की सभाओं में मैं कहा करता था कि सत्तारूढ़ दल के मित्र हमें पूछते हैं हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, और कहते हैं कि उन्होंने खुद का प्रधानमंत्री तय कर लिया है और वो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। मैं पूछा करता था अगर रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई तो क्या होगा। और श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई और हमने अपना प्रधानमंत्री आज निर्वाचित कर लिया। अटल
अब वक्त हो गया है एक छोटे से एड ब्रेक का, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए